ग्राफ ऑफ 4 sin x डॉट cosec x, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका ग्राफ पूछ लिया गया है तो एक बात सुनिएगा, ये गिवन आपके पास है y इक्वल टू 4 sin x डॉट cosec x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 sin x और ये क्या है आपका। हाँ सर ये कैंसिल हो गया है, कोई बात नहीं है, y इक्वल टू हमें 4 नजर आ रहा है और 4 तो एक लाइन होती है, चार एक्सिस के पैरेलल होती है y बराबर 4 पे। हाँ सर बात हो गई है, लेकिन सर जहाँ ये dr आ रहा है, देखो dr आ रहा है सर, dr है ना, तो dr यहाँ 0 होगा, क्या ग्राफ वहां ब्रेक होगा? अरे dr जहाँ 0 होगा वहां ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा। और डी आर कहाँ 0 होता है? एन पाई पे होता है, एन पाई पे 0 होता है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी वाई इक्वल टू 4 है। चलो ये तुम्हारी वाई इक्वल टू 4 है, नहीं इसको नहीं ले सकते हम, ये तुम्हारी y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 है। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर यहाँ आप पाई बोलते हो, यहाँ आप 2 पाई बोलते हो, पाई बोलते हो, 4 पाई बोलते हो, इधर माइनस पाई बोलते हो, इधर -2 पाई बोलते हो, इधर -3 पाई बोलते हो, ऐसे ही चलता रहता है। तो आप इतनी सी बात बता देना कि यहाँ 0, यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब यहां से ग्राफ ब्रेक होगा। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं। ये y इक्वल टू 4 है और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से रेंज निकाली जाती है, ये सारी बातें अगर हमें समझ में आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा।